तो क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल के ऊपर। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कॉलेज रिव्यू की सीरीज। और इस कॉलेज रिव्यू की सीरीज का पहला पार्ट होने वाला है NIT कुरुक्षेत्र, यानी कि NIT KKR, यानी कि ये वीडियो। और इसमें हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं कि ये NIT कुरुक्षेत्र कैसा कॉलेज है और क्या ये खड़ा उतरता है आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, और क्या ये आपका एक ऑप्शन होना चाहिए जब आप काउंसलिंग में जाएं कि यार NIT कुरुक्षेत्र में एडमिशन लेना है या नहीं, रिसर्च होती है या फिर बस सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो चलो इन्हीं तरह के सभी डाउट्स के बारे में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेड थी यार, रिसेंटली बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि भैया NIT कुरुक्षेत्र का रिव्यू कर दो। एंड स्पेशली निकेत शर्मा जी ने तो बहुत ज़्यादा मेरे को डिमांड करी थी। तो निकेत भाई, फाइनली ये रिव्यू कर रहा हूँ मैं। और तुम लोग देख सकते हो यार, अभी 2 बज रहे हैं रात के, ठीक है, और मैं ये वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, उसके बाद एडिट करूँगा और फिर 22nd of May यानी आज के दिन में तुम्हें ये वीडियो देखने के लिए मिल रही होगी। तो यार थोड़ी सी मेहनत मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से, थोड़ी सी तुम भी कर दो। तो तुम्हें थोड़ा सा काम करना है बस, मतलब 2 सेकंड निकालो और नीचे जो लाल वाला बटन है ना यार, उसको दबा के सब्सक्राइब करके आ जाओ, घंटी बजा दो ताकि जब भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आए फ्यूचर में तो तुम्हें जल्दी से पता चल सके। वीडियो पसंद आए या ना आए वो बात की बात है, पहले हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाओ, ठीक है। तो सब्सक्राइबर एम रखते हैं कि यार 6600 सब्सक्राइबर हमारे हो जाएं, तो यार कर दो, बहुत ज्यादा क्लोज है इसके तो ये हो जाएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कॉलेज रिव्यू के साथ। तो गाइस बेसिकली मैंने तुम लोगों के लिए चीज़ें सिंपल करने के लिए बना दिया एक PDF हमारे कॉलेज रिव्यू 1 की और NIT कुरुक्षेत्र के इस रिव्यू की। आज चलो बात कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी PDF से। PDF का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है ये PDF अगर तुम NIT कुरुक्षेत्र में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो। तो चलो अबाउट पढ़ लेते हैं इसकी थोड़ी सी। तो यार इट इज़ वन ऑफ द 30 नेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश्ड इन 1963। वेबसाइट की बात करें, यहाँ पे तुम्हें वेबसाइट का लिंक मिल जाता है, जस्ट एक क्लिक करना है और तुम वेबसाइट विजिट कर सकते हो। उसके बाद अगर लोकेशन की बात करें, लोकेशन काफ़ी अच्छी है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है हमारा NIT KKR। और नियरेस्ट एयरपोर्ट है भाई चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, थोड़ा सा दूर है यार एयरपोर्ट के मामले में, 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। IGI की अगर बात करें, दिल्ली का जो है एयरपोर्ट 183 किलोमीटर्स दूर है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो यार कुरुक्षेत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन है, उस मामले में थोड़ा सा तुम लकी हो जाते हो अगर तुम NIT KKR में हो तो 6.5 किलोमीटर्स दूर तुम्हारा NIT KKR का जंक्शन है, मतलब कुरुक्षेत्र जंक्शन है, रेलवे स्टेशन है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम रैंकिंग की तरफ। चलते हुए हमें पता चलता है कि यार NIRF ने इसे लास्ट ईयर रेट करा था 40 और द वीक जो मैगजीन है उसने दी थी इसे रैंकिंग 27। अब देखो यार ये रैंकिंग्स काफी अच्छी हैं, बट स्टिल मैं तुमसे कहूंगा कि यार रैंकिंग्स पे हमें नहीं जाना चाहिए ज्यादा, बिकॉज ये रैंकिंग्स थोड़ी सी बायस होती हैं। जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, MIT वगैरह जैसे, ये भी यार थोड़ा सा पैसा खिला के ऊपर अपनी रैंकिंग करवा लेते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती है, रैंकिंग से निराश मत होना। तो नेक्स्ट मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करें, मोड ऑफ एडमिशन यार तुम्हें पता ही है, जेई मेंस के लिए पढ़ने के लिए बोलता रहता हूँ, जेई मेंस के लिए पढ़ो, जेई मेंस फोड़ो और एडमिशन पालो NIT KKR में। यही एक तरीका है कि यार तुम NIT में एडमिशन ले सकते हो। दूसरी चीज़ के यार जेई एडवांस के थ्रू तुम IITs में एडमिशन ले सकते हो, तो आज की डेट में यही मेन एंट्रेंस एग्जाम्स है NITs और IITs में एडमिशन लेने के लिए। काउंसलिंग तुम्हारी जोसा की काउंसलिंग चलती है ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए, ये काउंसलिंग चलेगी तो उसमें तुम्हें हर राउंड का रिजल्ट मिलता रहेगा और उसके बेसिस पे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिला है। उसके बाद बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो यार फीस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है और टोटल पर सेमेस्टर फीस है 87,700, जो काइंड ऑफ बिलो एवरेज या फिर नॉर्मल कह सकते हैं, लाइक NITs में इतनी ही होती है, DTU में मेरी 1,00,000 रुपये पर सेमेस्टर है या उससे थोड़ी सी ज़्यादा। तो अब ज़रा देखें कोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं, तो भाई सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ECE, IT, मैकेनिकल, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल। तो ज़्यादा कोर्सेज नहीं है, काम के कोर्सेज है, 6-7 कोर्सेज है। मैं इसमें से कहूँगा कि अगर तुम्हें कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ECE और IT मिल जाती है तो यार तुम्हारी बल्ले बल्ले है, आँख बंद करके एडमिशन ले सकते हो, अच्छा कॉलेज है प्लेसमेंट्स के मामले में। पर अगर रिसर्च के तुम स्टूडेंट हो तो चलो उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या तुम्हें ये ऑप्शन होना चाहिए या नहीं। सीट मैट्रिक्स की अगर
बात करें तो भाई तुम्हें इधर दिख जाता है सीट मैट्रिक्स हमारे NIT कुरुक्षेत्र का। तो इस तरह का कुछ सीट मैट्रिक्स है, यहाँ पे फीमेल्स के लिए भी सीट्स जो हैं अपनी रिजर्व्ड हैं, OBC, SC, ST एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए हर तरह के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं। 48 सीट्स अगर देखा जाए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में लड़कों के लिए, या फिर कहो जेंडर न्यूट्रल सीट्स हैं, और फीमेल ओनली के लिए 12 सीट्स हैं। तो इसी तरह तुम यार सीट पूल देख सकते हो, अगर तुम्हारा मन करे तो लिंक तुम्हें मिल ही जाएगा PDF में, तो यार जस्ट एक क्लिक करना और चेक कर लेना। कट ऑफ देखी जाए तो यार कट ऑफ यहाँ पे चेक कर लेते हैं अब इस कॉलेज की। तो भाई कट ऑफ JEE मेंस के अब तुम्हारे रैंक के ऊपर डिपेंड करेगी। अब भाई बात करते हैं यार, मैं यहाँ पे जनरल जेंडर न्यूट्रल कट ऑफ देख के बताता हूँ तुम्हें। तो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें यार, राउंड 6 देखो तुम, ठीक है, राउंड 6 में क्योंकि तुम्हें फाइनल वो पता चलता है कि भाई कहाँ तक जाती है रैंक फाइनल। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए 35,000 है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 6,500 है। उसके बाद ये होम स्टेट रैंक है, ठीक है, होम स्टेट मतलब अगर तुम हरियाणा के स्टूडेंट हो तो, वहीं अगर तुम अदर स्टेट के हो तो कंप्यूटर साइंस के लिए तुम्हें यार 5,457 रैंक एट लास्ट चाहिए, ठीक है, और स्टार्टिंग रैंक है 2525 और यहाँ पे 2692, ठीक है। तो इसी तरह का है, तुम अपनी रैंक देख सकते हो यार, मतलब अपना कट ऑफ अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो एक क्लिक के ऊपर। तो वो तुम्हें लिंक मैं फिर से बता देता हूँ, PDF में मिल जाएगा। अब मेन बात कर लेते हैं यार प्लेसमेंट्स के बारे में। प्लेसमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट चिंतित होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्लेसमेंट के पीछे भाग रहे होते हैं। तो प्लेसमेंट्स का सीन थोड़ा सा ठीक ठीक है, मैं कहूँगा CS, ECE और IT में ही सीन थोड़ा ठीक है। बाकी यहाँ पे तुम देख सकते हो सिविल का स्कोप तो बहुत बेकार है, उसके बाद प्रोडक्शन का स्कोप भी बेकार है। तो तुम देख सकते हो यार ज़्यादा इतना अच्छा नहीं है अगर प्लेसमेंट्स के मामले में देखा जाए। पर कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इसमें अच्छा स्कोप है, तो अगर इनमें एडमिशन मिल रहा हो तो ठीक है। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज की बात कर लेते हैं भाई, वहीं फिर से कंप्यूटर ECE और IT में 43.31 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया था, और देखा जाए तो सारी ब्रांचेज में मिला के सिविल में 8.9 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया था। ये लीस्ट पैकेज था, ठीक है, हाईएस्ट में देखा जाए तो लीस्ट था सिविल में, और ओवरऑल अंडर ग्रेजुएट में भाई 43.31 का गया था। और एवरेज पैकेज की बात करी जाए तो भाई देखो सिविल में 5 लाख का एवरेज पैकेज था और कंप्यूटर साइंस में 15 लाख के करीब, और IT में भी 15 लाख के करीब एवरेज पैकेज था। तो यार अगर तुम IT और CS में हो तो तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोप है एक अच्छा पैकेज उठाने का। अब भाई बात करते हैं ऑनेस्ट रिव्यू फ्रॉम कोरा। मैंने यार ये कुछ आंसर्स पढ़े कोरा पे और जो मुझे हेल्पफुल लगे वो मैंने यार यहाँ पर उठाए हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, इट रैंक्स अमंग 6 to 7 टॉप NITs इन द कंट्री। उसके बाद अगर तुम्हें CS और IT ब्रांच मिलती है देन इट्स प्रीटी गुड। और यहाँ पे यार फैकल्टी जो है वो अच्छी है, PhD हैं, IITians हैं, बट यार मैंने ये चीज़ पढ़ी कि यार कॉलेज जो है रिसर्च बेस्ड कॉलेज बिल्कुल नहीं है, रिसर्च के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, प्लेसमेंट ओरिएंटेड कॉलेज है, टीचर्स भी ज़्यादा पढ़ाने में ध्यान नहीं देते हैं, और जो भाई स्पोर्ट्स एंड फैकल्टीज़ को भाई फैसिलिटीज़ को 8 out of 10 भाई रेट करेंगे, बिकॉज इट हैज़ एन एवरेज जिम एंड अभी उसके बारे में भी बात करते हैं स्पोर्ट्स एंड फैसिलिटीज़ के बारे में। आंसर 2 की बात करें तो यार यहाँ पे आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड इन 4 months। उसके बाद टॉकिंग अबाउट टीचिंग, इट्स नॉट अप टू दैट मार्क बट प्लेसमेंट इज़ गुड एस्पेशली फॉर CS एंड IT। इफ़ यू आर इन दिस ब्रांच देन यू कैन ग्रैब 15 lakh package, like 40-50% students can do that, and if you get admission in CSIT then don't miss it. अब यार हॉस्टल फीस की बात कर लेते हैं, तो ये मुझे काफ़ी एस्टोनिशिंग सी सरप्राइजिंग सी चीज़ लगी कि भाई हॉस्टल फीस जो है यार वो काफ़ी कम थी। ठीक है, तो बेसिकली इसकी हॉस्टल फीस है यार अगर 1 seater है तो 11,200 और 3 seater है तो 6,800 टोटल पर सेमेस्टर की, जहाँ की DTU की सेम सेमेस्टर फी यार पर सेमेस्टर हॉस्टल फी ऑलमोस्ट 4 times है इसके। तो वो काफ़ी एक डिफरेंस दिखने को मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है हॉस्टलर्स के लिए। अब भाई मेस की बात कर लेते हैं, ठीक है, मेस का खाना यार एवरेज है, नॉर्थ इंडियंस को थोड़ा सा ठीक लग सकता है बट साउथ इंडियंस को इतना अच्छा नहीं लगता है। ऑल्सो नॉन वेजिटेरियंस के लिए इतना अच्छा खाना नहीं है, वेजिटेरियन फूड ज़्यादा अच्छा मिलता है। प्लस ओवरऑल 3 out of 5 देगा अगर कोई मेस को तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड फैसिलिटी की बात कर लेते हैं, हर तरह के स्पोर्ट तुम्हें देखने के मिल जाते हैं लेकिन एवरेज से भी कम जिम है, मतलब जो जिम की हालत है वो थोड़ी सी ख़राब है, सुधार लेनी चाहिए। अगर कोई NIT KKR से देख रहा है ये वीडियो तो प्लीज़ इसके ऊपर काम करें। उसके बाद लड़के 10 बजे तक भाई हॉस्टल में आ सकते हैं और लड़कियाँ 8:30 बजे तक हॉस्टल में आ सकती हैं।
फेस्ट है भाई, फेस्ट कॉन्फ्लुएंस इनका मेन फेस्ट होता है, पर भाई इट इज़ जस्ट नेम्ड बिग टू बी ट्रू। इसका मतलब भाई थोड़ा सा नाम तो बड़ा है, नाम बड़े दर्शन छोटे, इतना अच्छा फेस्ट नहीं होता है। मतलब फेस्ट तो ठीक ठाक होता है, स्टैंड अप कॉमेडियन स्टार्स आते हैं, बट वही बात है ना यार, यहाँ पे दिल्ली का क्राउड ही देखने के लिए अलग होता है। यहाँ के दिल्ली के कॉलेजेस में IIT दिल्ली का फेस्ट, DTU का फेस्ट, NSIT का फेस्ट, सब भाई धमाकेदार होते हैं, तो यार वो तो देखने की बात है ही। उसके बाद यार बस इतना ही था यार इस कॉलेज रिव्यू के अंदर। PDF तुम डाउनलोड कर लेना अपनी हेल्प के लिए। ऑल्सो भाई इफ दिस रिव्यू हेल्प्ड यू देन प्लीज लाइक द वीडियो। लाइक एम रख लेते हैं यार 400 लाइक्स। आई नो काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है, बट यार आई नो कि तुम कर दोगे। तुम्हारे लिए एक सेकंड लगता है सिर्फ लाइक करने में, तो यार कर देना। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू कनेक्टेड टू दिस वीडियो एट ऑल। मैं थोड़ा बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, इस वक्त 2:30 बज गया है वीडियो शूट करते करते। एंड इफ यू थिंक कि मैंने अच्छा काम करा है देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। यहाँ पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा PDF में भी सब्सक्राइब करने के लिए। ऑल्सो सब्सक्राइबर एम रखते हैं यार 6700 का। आई सेट 6600 वीडियो के शुरू में, बट यहाँ पे कुछ और था। एंड आई नो कि तुम 6700 भी पूरा कर दोगे बिकॉज यू गाइज आर अमेजिंग। तो भाई थैंक यू फॉर एवरीथिंग, एंड दैट वॉज इट। दैट वॉज आर फर्स्ट एपिसोड ऑफ कॉलेज रिव्यू सीरीज, एंड आई होप यू लाइक इट। एंड और जो भी सजेशंस तुम्हें देने हैं कॉमेंट्स में दे सकते हो वीडियो से रिलेटेड। एंड दैट वॉज इट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।